अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का जो ऑन द बस की रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप पेज नंबर 48 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स। ये जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें जो नेमिंग वर्ड्स हैं उस पर लाइन लगी हुई है। रीड द फॉलोइंग। सबसे पहले है, आसिम हैज़ अ बास्केट एंड टू बैग्स। आसिम के पास दो बास्केट और टू बैग्स हैं। ही इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ही इज़ थ्रोइंग अ स्टोन। वो स्टोन फेंक रहा है। द स्टोन इज़ हिटिंग अ ब्रांच। और जो स्टोन है वो दरख्त की टहनी को लग रहा है। नाउ मैंगोज आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। और वो जो स्टोन ब्रांच पर मार रहा है तो उसकी वजह से जो मैंगो हैं, आम हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द वर्ड्स विद अ लाइन अंडर देम आर नेमिंग वर्ड्स। जिन जिन पे लाइन दली हुई है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। यू कैन ऐड एस और ई एस टू मेक नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लोरल। आप एस और ई एस उस नेमिंग वर्ड्स पर लगा सकते हैं ताकि उसे सिंगुलर और प्लोरल का पता चल जाए। वैन अ नेमिंग वर्ड इज़ सिंगुलर, हमें कैसे पता चलेगा नेमिंग वर्ड सिंगुलर है? अगर एक नेमिंग वर्ड जो है वो सिंगुलर है, इट मीन्स देयर इज़ वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल बास्केट, अगर सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, जैसे बास्केट हो रही है, बैग, कोई भी एक चीज़ हो रही है, इट्स मीन वो सिंगुलर है। वैन अ नेमिंग वर्ड इज़ प्लोरल, अगर नेमिंग वर्ड जो है वो प्लोरल है, इट मीन्स देयर आर मोर देन वन थिंग और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, अगर प्लोरल है तो इसका मतलब एक चीज़ से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिए, फाइंड एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें नेमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले है, द ट्री इज़ नियर द हाउस। तो ट्री पे डैश आ जाएगा और हाउस पे आ जाएगा, बिकॉज दे आर नेमिंग वर्ड्स। द डॉग इज़ नियर द ट्री। डॉग नेमिंग वर्ड हो गया, ट्री नेमिंग वर्ड हो गया। द कैट इज़ ऑन द ब्रांच। कैट भी हो गया और ब्रांच भी हो गया। वेयर इज़ द बर्ड। तो बर्ड पर आप डैश लगा देंगे। और पिक्चर में आप देखें बर्ड यहाँ पर है, तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द हाउस। जो बर्ड है वो घर के इर्द गिर्द उड़ रही है। इसके बाद, रीड द वर्ड से द साउंड्स अलाउड। तो यहाँ पे कुछ एस एच के वर्ड्स दिए हुए हैं, सी एच के वर्ड्स दिए हुए हैं, एस टी के और टी एच के। एस एच के दिए हुए हैं, डिश स्प्लैश शू, सी के लॉक टिक लैक, एस टी के नेस पेस स्टार, टी एच के विथ मॉथ क्लॉथ। एड दीज टू द गिवन लिस्ट। अब ये जो चार वर्ड्स हैं हमें इसमें डालने हैं, तो जो जो एस एच पे होंगे वो एस एच पे, एस एस सी के, एस टी और टी एच पे हमें लगाने। तो ये जो है ये आ जाएगा इस पे, बिकॉज दिस इज़ वेस्ट कोट। तो वेस्ट कोट पे एस टी आ रहा है। नंबर सेकेंड पे है फिश, फिश आ जाएगा यहाँ पर। नंबर थर्ड पर है टीथ, तो टीथ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा टी एच वाले में। नंबर फोर पे है सैक, सैक मतलब बोरी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, व्हाट आर दे सेइंग, टॉक अबाउट द पिक्चर देन फिल इन द स्पीच बबल्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फिल कर देते हैं जितना हमने स्टोरी में देखा है। तो ये है एक काव, मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा लिख देती हूँ, इतनी जगह नहीं है। दिस इज़ अ काव, अ काव, शी, नो नॉट शी, इट इज़ ईटिंग ग्रास। ये जो है काव है और ये ग्रास खा रही है। ओके, ही इज़ सलीम, ये जो है सलीम है, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ही इज़ वेरी क्लेवर, ये बहुत चालाक है, होशियार है, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद थर्ड जो है आप लिख सकते हैं, शी इज़ मिसेस अली एंड She is holding an umbrella. Holding an umbrella in her hand. ये मिसेज अली है और वो अपने हाथ में छतरी होल्ड की हुई उन्होंने। और ये जो लास है तो आप लिख सकते हैं इसका, ही इज़ द कंडक्टर, ये जो है इसका नाम कंडक्टर है। He gives the ticket and take the money. From passengers. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो कंडक्टर है
और ये टिकट देते हैं और ये पैसे लिखता है पैसेंजर से इन द बस। इन द बस आपको लिखना है, नहीं निकला ये एज़ यू विश। ओके तो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके ओके तो ये जो ऑन द बस चैप्टर है यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मत सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट मोर वीडियोस। थैंक यू।